आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँखों में से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। कमाल है दीपा, मुझे वहां अकेले छोड़ के चली क्यों आई? बेचार हुई रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। ये नहीं हो सकती मोहब्बत चाहे हसीने उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत चाहे हसीने उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम तो रखा जमीन पर, सीने में क्यों धनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। काजल और लटों में काली घटा का बसेरा, सावली सूरत मोहनी मूरत सावन रुत का सवेरा। आँखों में काजल और लटों सावली सूरत मोहनी मूरत सावन रुत का सवेरा। जब से ये मुकड़ा दिल में खिला है दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई।
अभी मैं आई हूँ वॉक करने, 17 से जाऊंगी 22 तक वॉक करते करते। आज है बच्चों की छुट्टी इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं है, वॉक करने के बाद आई विल गो टू माई हाउस। टुडे इज सैटरडे एंड सैटरडे को एंजॉय कर रही हूँ। थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड भी आ ही जाएंगे, अभी मुझे थोड़ी देर वॉक करने के लिए वो यहाँ छोड़ के गए हैं कि मैं थोड़ी वॉक कर रही हूँ। मैं थोड़ी थोड़ी स्लिम फिट एंड फाइन, क्यों फ्रेंड्स लग रही हूँ कि नहीं? देखो अभी सारे स्लीपर्स सफाई कर रहे हैं, आप देखोगे इतना साफ सुथरा अभी बन जाएगा हमारा चंडीगढ़, क्योंकि सभी वर्कर्स अपनी अपनी ड्यूटीज पे आ चुके हैं। आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ 17 की मार्केट। अभी मॉर्निंग 8 बजे है और 8 बजे अभी कोई शॉप नहीं खुली है। ये देखिए पूरा 17 सेक्टर अभी बंद पड़ा है, लिखा हुआ है buy 1 get 2 get 1 free buy 3 get 1 free। इम्पॉर्टेंट हमें वॉक्स ही है। वेदर वी विल गो टू सुखना लेक और एनी पार्क और एनी प्लेस, बस आपको चलना है इसलिए मैं चल रही हूँ। देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में खादी पर विशेष छूट, ये लिखा हुआ है। ये आई थिंक ओपनिंग हुई है यहाँ पर खादी की, हर घर तिरंगा 75th महोत्सव आज़ादी का। जय हो, ये देखिए कितने सुंदर है कृष्ण भगवान जी। ये पूरे 17 सेक्टर की हमारी मार्केट, ये देखिए अभी सब बंद है। आई एम जस्ट गोइंग टू ये वाय जेंस पार्क एवेन्यू। सेल देखिए सेल पढ़ा जा रहा है इसमें SALE सेल। देखिए buy 1 get 1 free, मैं भी नज़र आ रही हूँ buy 1 get 1 free। वो देखिए अमिताभ बच्चन जी आ गए, है ना। कोई कहता है कि अमिताभ बच्चन से मिल सकते हो तुम, मिलो या ना मिलो। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास ही खड़े हैं। हेलो हेलो सर, हाउ आर यू? गुड। रीडिंग कर रहे हो? आई ऑल्सो लाइक रीडिंग। बाटा के शोरूम एलन सोली यहाँ पर हूँ मैं इस प्लेस पे। जब आप यहाँ होंगे तो कभी देख लोगे कि देखो रेमंड के शोरूम के पास खड़ी थी वो उस दिन। दिस इज बाटा शोरूम, बाटा। और ये वो आ गया प्लेस जहाँ पर पूरा नक्शा चंडीगढ़ का बना हुआ है, जिसमें सेक्टर्स 22 सेक्टर 17 ऑल सेक्टर्स का मैप बना हुआ है।
आई विल शो यू। ये फाउंटेन वाली जगह है जहाँ रात को फाउंटेन चलता है। दिस इज द प्लेस ऑफ मैप ऑफ चंडीगढ़। ये देखो अभी मैं खड़ी होकर बताती हूँ कि ये लिखा हुआ है राम दरबार, ये लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल एरिया, ये लिखा हुआ है ट्रिब्यून चौक, दिस इज़ हाउस टाइप्स, प्रेस क्लब, इंस्टीट्यूट, सेक्टर 17, सेक्टर 43, सेक्टर 4, सेक्टर 1, ऑल सेक्टर्स मैप दूर से दिख रहा होगा आपको। अभी सारी शॉप्स बंद हैं क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 8 बजे का टाइम है, तो कहाँ पर खुलेंगे, 10 बजे तक सारी शॉप्स खुलती हैं। कोई साइकिलिंग कर रहा है यहाँ, कोई कुछ। सर्दियों में बहुत अच्छा मौसम होगा आज, आई विश कि मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी वॉक। मौसम चेंज हो रहा है, धूप निकल आई है। ये है वो प्लेस जहाँ पर फाउंटेन रात को चलता है, बच्चे एंजॉय करते हैं। ये स्टेयर्स भी है, मैं स्टेयर्स करूँगी यहाँ पर, स्टेयर्स से ही जा रहा है मेरा फैट। वॉक से तो है ही, कुछ डाइट वैसे मैं कंट्रोल नहीं कर रही हूँ। 2 पराठे मैं सुबह खा रही हूँ, लंच में 1 फुल्का खा रही हूँ, पोहा वगैरह ले लेती हूँ, रात को भी 1 फुल्का खा रही हूँ। बस मैंने जीरा पानी स्टार्ट किया हुआ है, योगा क्लास स्टार्ट की हुई है, और थोड़ा बहुत वॉकिंग, इन चीज़ों पर मेरा ध्यान है। इंटरेस्टिंग मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है, पर मुझे लगता है कि चल रही हूँ मैं इंटरेस्टिंग हर चीज़ है। ये देखिए स्टेयर्स आ गई, अब मैं ये 10 टाइम करूँगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6। ये देखिए सुबह सुबह हो रही है कटाई, राइट, ये अच्छे से सफाई हो रही है। अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी कटाई की है इन्होंने, है ना, ग्रीनरी। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ चंडीगढ़, चारों तरफ हरियाली, पर इसको मेंटेन करना सीरियसली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कितने सारे माली लगे हुए हैं इन चीज़ को मेंटेन करने में। हाँ, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय भी मिला, एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है ना, कटिंग वगैरह। तो देखो पीछे शुरू हो गए, पूरी सारा की मार्केट है। अभी अपने ऑफिस आ चुके हैं, पार्किंग कर रहे हैं, ये देखिए ई साइकिल चली हुई है यहाँ पर, स्मार्ट बाइक्स। ये देखो कितने सारे बर्ड्स, दाना डाला हुआ है और ये चुग रहे हैं दाना। यहाँ पर भी बहुत अच्छी सैर हो जाती है, तो ये मैं पूरा राउंड लगा के आई हूँ 17 का। ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है पूरा राउंड लगाने में अगर ढंग से लगाओ। बहुत बड़ा है ये 17 की मार्केट। देखिए मैं फिर से वहीं पहुंच गई हूँ जहाँ पर ये मैप है हमारे इसका, चंडीगढ़ का मैप।
मॉर्निंग में समोसे बनने लग गए हैं जी शॉप्स पे, तैयारी कर रहे हैं कि अब दिन में क्या बेचना है क्या नहीं बेचना। बर्ड्स अपना दाना चुग के जा चुके हैं घर, मैं भी बस अपने घर की तरफ रवाना हो चुकी हूँ। अभी 10 मिनट में आप देखोगे मैं घर पे ही होंगी। हाँ, अच्छा लग रहा है व्लॉग बनाना मुझे, क्योंकि मेरी बॉडी में चेंज जो है वो मुझे खुद पता चल रहा है। मेरा बेटा मुझसे पूछने लगा कि मम्मा किसी ने आपको कोई कहा कि आपके व्लॉग ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं? तो मुझे पता है कि मेरे व्लॉग्स जो मंदिर में कीर्तन हो रहे हैं उसमें मुझे फर्स्टली खुद का एंटरटेनमेंट, खुद का एंजॉय और स्ट्रेस रिलीफ मिलता है। फिर जिन आंटीज़ की मैं कैप्चर करती हूँ पिक्स, उनकी भी उनको खुद अच्छा लगता है। वो कहती हैं कि अगर मेरा बेटा या मेरे बच्चे बहू बाहर फॉरेन में हैं तो मैं उनको कह देती हूँ कि तुम यूट्यूब ओपन करके वीडियो देख लो, और उसमें मैं बैठी हुई हूँ उनकी मम्मा, और अच्छी संगति को भी शो मतलब हो ही रहा है, शो किया जा रहा है, प्रमोट कर रही हूँ, मैं सनातन धर्म को प्रमोट कर रही हूँ, स्ट्रेस कम हो रहा है ना, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, खुद को अच्छा फील हो रहा है। लीजिए शॉर्टकट अपना लिया है मैंने। तो मेरे नेबर का एक बेटा है, वो मुझे क्या बोल रहा था कि आंटी हेटर्स और लवर्स सारे साथ साथ चलते हैं, तो अगर आपको 80% लोग प्यार कर रहे हैं तो 10 या 5% हेटर्स होंगे, वो 10-5 को और प्रमोट कर देते हैं हेट करने के लिए कि भाई इसको देखो, अदरवाइज़ ऑलमोस्ट लवर्स ही हैं। अच्छा ही लग रहा है देखने में मुझे। वैसे तो जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ मैं खुद देखती नहीं एक बार कि ठीक बनी है कि नहीं, जो मैंने कैप्चर किया है एज इट इज़ विदाउट एडिटिंग सीधा ही मैं डाउनलोड कर देती हूँ। अच्छा, खुद का फ़ोन ही मेरी एक सबसे बड़ी कंपनी बन चुका है। पहले मैं अपने हस्बैंड से अपने बेटे से शिकायत करती थी कि तुम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते हो, मुझे वॉक नहीं करवा के लाते, मैं जा नहीं पाती हूँ, है ना। तो अब क्या है, तो ये आइडिया मेरी एक फ्रेंड और मेरे बेटे और मेरे नेबर के बच्चे ने मुझे आइडिया दिया कि आप ऐसे कर लो ना, आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड आपका फ़ोन है, आप ये आपका एक मिरर है कि आप इसमें कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हो वो आप खुद अपनी जर्नी देख सकते हो, है ना। देखिए जी कितनी ऑफिस गोइंग गर्ल्स बॉयज मैन वुमेन ऑल आर डूइंग देयर वर्क। सब अपने काम पर जा रहे हैं, किसी को पंचकुला जाना होता है, कोई अम्बाला जा रहा है ना। हमारे जो नेबर्स हैं उनमें जो हस्बैंड है वो तो यहीं चंडीगढ़ के ही वर्किंग है, और ऑलमोस्ट जो लेडीज़ हैं उनको पंचकुला जाना होता है जॉब के लिए। तो मैं सबको देख रही हूँ कि किस तरह से सभी अपने काम में जुटे हों। वैसे मैं खुद एक हार्ड वर्किंग हूँ, मुझे मेरे काम तो आप देखते ही हो कितना सा अपने लाइफ को मैंने बिजी रखा हुआ है, हर काम कर रही हूँ मैं।
कि सुखना लेक पे आपको इतना काम और पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है। यहाँ थोड़ा सा मॉर्निंग का टाइम भी लेट हो गया ना मेरा, वजह से सभी अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं, तो हजल बजल हुई है रोड्स पर, थोड़ा बचाव करते हुए चलना पड़ रहा है मुझे। अब सभी पूरी लाइटें फ्री हुई हैं, कैमराज लग चुके हैं हमारी लाइटों पर, ईच एंड एवरी सेक्टर, कोई भी आपको डिसिप्लिन तोड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। सभी लाइट्स के आने का वेट करते हैं लाइट्स पर अपनी। अब मैं नारियल पानी लूँगी एक, और उसके बाद फिर घर की तरफ प्रस्थान होगा मेरा। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट आ ही गई हूँ घर के पास, मेरा फेवरेट सेक्टर है क्योंकि यहाँ छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए हैं ना, कल भी मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया था आपको। ये देखो कितना सुंदर, फॉरेन की फीलिंग आती है मुझे यहाँ, जैसे हम टीवीज में देखते हैं ना। ये देखिए इसकी बात कर रही हूँ मैं, इन पत्थरों की, कितना सुंदर है ये पत्थर। एक फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ मैं, क्या लिखा हुआ है, आई एम प्राउड टू बी इंडियन, आई एम प्राउड टू बी इंडियन। तो देखिए कितना सुंदर, अभी मैं देख रही हूँ ये है वो चर्च, इससे प्यारी है कार, मुझे टक्कर ना मार दे इसलिए बचाव करते हुए मुझे चलना पड़ रहा है, बट ये बहुत ही सुंदर है सीरियसली, आई जस्ट लव हेयर टू वॉक। चलो आज एक भजन हो जाए। वैसे तो ये भजन जब कोई भी परेशानी में इंसान आ जाता है ना, तो ये भजन ज़रूर था, दिल से अपने आप निकलता है। और मैं तो भगवान को धन्यवाद ही करना चाहती हूँ कि जैसी भी ज़िंदगी भगवान देते हैं तेरी रजा में ही हम खुश हैं। तो ये मेरी एक आंटी का गाया हुआ भजन है, मैं सुनाती हूँ आपको। अभी भगवान तू बन के इंसान तू देख जाना, तेरा कैसा है बिगड़ा जमाना। अभी भगवान तू बन के इंसान तू देख जाना, तेरा कैसा है बिगड़ा जमाना। पढ़ती तुझको खबर फिरता तू दर बदर दुख उठाना, तेरा कैसा है बिगड़ा जमाना। नहीं तू दुनिया का इंसान होता और मैं तेरा भगवान होता, नहीं तू दुनिया का इंसान होता और मैं तेरा भगवान होता। फिरता तू दर बदर पड़ती तुझको खबर दुख उठाना, तेरा कैसा है बिगड़ा जमाना। वैसे तो संसार में रहते हैं दुख आते ही रहते हैं, चलते रहते हैं, पर सच में दुख की घड़ियाँ काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भगवान बस सुख शांति रखे सबके घर में, सभी को खुशहाली दे, हेल्दी एनवायरनमेंट दे। जटा में गंगा टपके ओ डमरू वाले, जटा में गंगा टपके ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, जटा में गंगा टपके ओ डमरू वाले। आज एक झोली में फूल भरे एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा अरे कोई कारण हो, तेरे बस में कुछ भी नहीं वो तो बांटने वाला बांटे,
कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीर फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती है तकदीर फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी क्यों है बंधु, अरे कोई कारण होगा। नाग बिड़स ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, कांटों पर भी सो कर किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण हो। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सो कर किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण। तेरे बस में कुछ भी नहीं वो तो बांटने बांटे, रे कोई कारण होगा। भला किसी का कर ना सको तो पूरा किसी का करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर ना सको तो पूरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। करना किसी का बता सको तो झोपड़िया ना जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो हाई नमक ना लगा देना। घर ना किसी का बसा सको तो झोपड़िया ना जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो हाई नमक ना लगा देना। मन चल रे वृंदा वन धाम राधे राधे गाए रे, मन चल रे वृंदा वन धाम राधे राधे गाए रे, राधे राधे गाए श्यामा श्यामा गाए। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, वृंदावन में जमुना किनारा निर्मल पावन बहती है धारा, तेरा कोड़ी लगे गाना दाएं राधे राधे गाए ये। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाए श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, बांके बिहारी जी की महिमा है नारी, तेरे बन जाए बिगड़े काम वृंदावन उधारी, बाके बिहारी जी की महिमा है न्यारी, तेरा कोड़ी लगे गाना दाम। देखो गाय भी दिखी, गाय वाला जा रहा है। राधे गाएंगे 27 सेक्टर आ गया जी, चलो अब चलते हैं आगे। ये जितने भी भजन मैंने गाए हैं सारे मेरे फेवरेट भजन हैं, बहुत सारे हैं वैसे तो। हरि ओम बोलो रे तोते, हरि के भजन में लाओ तुम गोते। हरि ओम बोलो रे तोते, हरि के भजन में